आगरा में सड़क नहीं बनने पर आक्रोश, लोगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन। आगरा के कहरई मोड़ स्थित मारुति सिटी रोड 4 साल से जर्जर है, बारिश में सड़क तलैया बन जाती है, महीनों तक पानी नहीं सूखता, स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों को मुसीबत झेलनी पड़ती है, जिसके विरोध में रविवार को क्षेत्रीय लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हुए सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। करीब 3 किलोमीटर सड़क पर 10 से अधिक कॉलोनियां हैं, 500 से अधिक परिवार रहते हैं। 4 साल में 20 से ज्यादा शिकायत सड़क निर्माण के लिए कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। रविवार को क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 9 बजे ही दर्जनों महिलाएं और पुरुष शमशाबाद रोड पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरना देकर बैठ गए। इससे के हालात बन गए। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा, लेकिन कोई अधिकारी या नेता नहीं पहुंचा। मारुति सिटी सोसाइटी सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि 4 साल से सड़क जर्जर पड़ी है, डीएम सीएम से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो सकी। लोगों ने नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है, राह निकलना मुश्किल। मारुति सिटी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क डूब जाती है, रास्ता निकलना मुश्किल होता है, वाहन पलट चुके हैं, कई लोग गड्ढों में गिरने से जख्मी हो चुके हैं। मारुति सिटी सोसाइटी के उपाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कहां कहां नहीं दौड़े, कोई अधिकारी या नेता ऐसा नहीं जिसके पास नहीं गए लेकिन सड़क नहीं बनवाई, इसलिए अब वोट नहीं डालेंगे। मारुति सिटी सोसाइटी के पूर्व सचिव टीएच मेथानी ने कहा कि नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन यहां 4 साल में एक सड़क नहीं बन पाई, ये कैसी स्मार्ट सिटी है, रोड नहीं तो वोट नहीं। मारुति सिटी सोसाइटी के सचिन प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जब तक रोड नहीं बनती वोट नहीं डालेंगे। पिछले चुनाव में हम वोट डालना नहीं चाहते थे, लेकिन सड़क बनने की उम्मीद में मतदान किया, जब विकास नहीं तो वोट क्यों दें।